दो दिन से घर से लापता युवक की कुएं में मिली लाश, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, पुलिस जांच में जुटी। पोहरी थाना के ग्राम बछोरा में सोमवार की दोपहर उस वक्त हड़कंप मच गया जब दो दिन से घर से लापता एक युवक की लाश गांव के पास खेत में लगे कुएं में तैरती मिली। सूचना मिलते ही पोहरी थाना पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और युवक की लाश को कुएं से बाहर निकलवाया। आपको बता दें कि मृतक के पैर जो हैं वो रस्सी से बंधे हुए थे, साथ ही यहां पर दूसरे सिर पर एक बड़ा पत्थर रस्सी से बंधा हुआ था, जिसे देखते हुए परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस ने फिलहाल पंचनामा कर कार्रवाई कर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोहरी एसडीओपी निरंजन सिंह राजपूत ने बताया कि मृतक की पहचान वीरू धाकड़ उम्र 20 साल निवासी बछौरा के रूप में हुई है। बताया गया कि मृतक पिछले दो दिनों से घर से लापता था। मृतक के परिजनों ने सोमवार की सुबह पोहरी थाना पहुंचकर युवक के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई। इसके कुछ देर बाद युवक की लाश कुएं में पड़ी होने की सूचना पुलिस को मिली। एसडीओपी ने बताया कि मर्ग कायम कर मामले की जाँच हो रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मामला साफ होगा। ये बीरू पुत्र रामदयाल धाकड़ है, बछौरा निवासी। ये इसके परिजन बता रहे हैं 18 तारीख से गायब था और आज थाने में आके इन्होंने गुमशुदगी दर्ज कराई थी। उसके कुछ समय पश्चात ही इसकी बॉडी कुएं में मिली है। अभी बॉडी को निकाल कर पीएम के लिए भिजवा दिया गया। पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की। प्रथम दृष्टया सर, बॉडी में जैसे पैरों पे पत्थर बंधे हुए निकले हुए हैं, कहीं ना कहीं हत्या की आशंका बताई जा रही है, क्या कुछ मामला है? पीएम रिपोर्ट आने से पहले बोलना उचित नहीं होगा। पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही